अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइव विद जबीन। यहाँ पे टाइम हो रहा है जनाब 9:30 का, और ये देखें जी, यहाँ पे मैक साहब भी उठ गए हैं। और आज मैं आपको जनाब कोई डिफरेंट सी चीज़ दिखा रही हूँ, डिफरेंट वीडियो बना रही हूँ। ये देखें जनाब, आज हम करेंगे अपना फ्रीज़र क्लीन। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मेरे फ्रीज़र की कंडीशन देखें। यहाँ पे भी सारी बर्फ़ जम गई है, और ये नीचे जो है ना, ये देखें, असल में मैंने अपना फ्रीज़र क्लीन किया था ईद से पहले, और अब क्योंकि ये ज़रा हल्का फुल्का हो गया है, गोश्त इसमें कम कम रह गया, तो ये आप देख रहे होंगे ये सारा वो कुर्बानी के गोश्त के जो पैकेट्स रखते हैं उसका ब्लड वगैरह लग जाता है। तो ये मैं आज आपको ना ये क्लीन करके दिखाती हूँ, इसकी कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जितना ये सामान है ना जो आपको नज़र आ रहा है, इस सब को हम नीचे फ्रिज में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि नीचे क्लीन है, बस मुझे सिर्फ फ्रीज़र को क्लियर करना है। तो उसके लिए जनाब आप मेरे साथ बनी रहिए, और मैं आपको इसकी कुछ टिप्स भी दूँगी कि इसको किस तरीके से आसान तरीके से इसको कैसे नीट और क्लीन किया जाता है। ठीक है जी, अभी हम इस सारे सामान को जो भी आपको नज़र आ रहा है इस सब को हम फ्रिज में शिफ्ट कर देंगे जी। तो व्यूवर्स, ये देखिए कि मैंने पूरा जो मेरा फ्रीज़र है वो बिल्कुल खाली कर दिया है, सारा सामान मैंने नीचे फ्रिज में शिफ्ट कर दिया है, और साथ ही आपने एक तो स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है? और आपने जहाँ पे भी ये फ्रिज पड़ी है, किचन में है, लाउंज में है, जहाँ पे भी है, तो आपने फ़ैन ऑन कर देना है उस जगह का, ताकि उसकी हवा इसको लगती रहे और ये जितनी आपको ये बर्फ़ नज़र आ रही है मेल्ट होती रहे। इसमें आपने कोई इसमें एफर्ट नहीं डालनी कि अच्छा जी ये बर्फ़ को मैंने तोड़ना है तो मैं इसके साथ इसमें छुरी मारूं, या मैं इसको, यानी कि आपको लग रहा ओके हो तो बड़ा मुश्किल काम है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आप ये देखते रहिए कि ये कितने आराम से सारा फ्रीज़र क्लीन हो जाएगा। बस आपने इसका सारा सामान फ्रिज में शिफ्ट कर दिया है, और साथ ही फ़ैन ऑन कर देना है और फ्रिज का स्विच ऑफ कर देना है। अब आप ये देखिए कि थोड़ी ही देर में यहाँ से सारी बर्फ़, ये देखें, इस वाले एरिया से मेल्ट हो गई है, और ये देखें ये गिर रही है, और ये देखें ये पानी पानी हो गया, ये ऊपर से भी गिर रही है, नीचे से भी मेल्ट हो गया। और आपने इसको कोई भी कपड़ा लेके, ये देखें ऐसे पानी को लेना है और इसको साफ़ करते जाना है। ये आपने जैसे ये पानी, इसमें कपड़े में थोड़ा पानी आ गया, आप इसे उठाएंगे और इसको निचोड़ते जाएंगे, ठीक है? यानी यहाँ से उठाया, सिंक में गए, निचोड़ा, फिर आप इस तरह अपने पास कोई बकेट रख लें छोटी सी, और साथ साथ पानी इधर से लेते गए और कपड़े को निचोड़ते गए, तो ये जितना पानी है साथ साथ क्लीन होता जाएगा। आप लोगों ने कोई इसमें छुरी कांटा कुछ नहीं मारना। मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि जल्दबाजी में कि जी बर्फ़ मेल्ट नहीं हो रही है और टाइम लग रहा है, तो मैंने एक दफ़ा छुरी से इसको यानी कि बर्फ़ उतारने की कोशिश की, तो सारी गैस लीक हो गई, उसमें होल हो गया। तो अब तो मैं ये तरीका अपनाती हूँ, ये बेस्ट वे है कि आप बस फ़ैन चला रहे और ये खुद ही आइस जो है ये मेल्ट होती जाएगी। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि यहाँ से जो जो पानी यहाँ ऊपर से गिर रहा है, साइड से आ रहा है, वो जाहिर है नीचे ही आएगा, तो यहाँ से मैंने निचोड़ निचोड़ के ये देखें इसमें साथ जमा करती गई हूँ, ये देखें, यानी कि ऐसे ऐसे और इसमें। अच्छा जी, अब मैं आपको एक चीज़ एक और टिप देती हूँ। अब होता है ना, जैसे ये देखें, ये यहाँ पे ये अभी मोटी मोटी तय है, जमी हुई है, और जैसे ये सामने भी है। अब पंखा चलाने से ये होता है कि आप अगर कि ना जो ये जमी हुई है ना, ये अपनी ग्रिप छोड़ना शुरू कर देती हैं, क्योंकि जाहिर है मेल्ट हो रही है, आइस है, हवा से नमी गर्मी से मेल्ट होगी। तो फैन चलाने का असल मकसद ही यही है कि ये एक तो मेल्ट हो रही है, दूसरा ये अपनी ग्रिप छोड़ रही हैं। अब इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये मेरे पास दो स्क्रैपर हैं, एक ये है एक ये है, ये तो खैर ये टूट गया थोड़ा सा, मैं इसी को यूज़ करूँगी अभी। तो आपने छुरी नहीं मारनी, आपने कोई कटर कोई ऐसी कोई शार्प चीज़ नहीं लेनी। ये स्क्रैपर होते ही फ्रिज के साथ इसीलिए आते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है। अब आप ये देखिएगा कि
यहाँ से ये आप देख रहे हैं याइस, ये ग्रिप छोड़ चुकी है, इसको जस्ट मैंने हल्का सा ऐसे करना और ये नीचे आ जाएगी। ये देखें आप, देखा आपने, ये पूरा एक स्लैब की देखिए नीचे आ, ये देखें, और इसको भी इसी में डालते जाएंगे हम। ये देखें, अब मैं आपको फिर दिखाती हूँ, ये देखें आपने देखा, ये देखें, ये नीचे यहाँ पे सारी जमा हो गई है। इसको भी अब मैं इसी तरह कपड़े में लपेट के ऐसे इसको उठा लूँगी। अब सेम इसी तरह आप साइड्स का भी अगर है, अवल तो नहीं है, ये देखें यहाँ पे सारी वो मेल्ट हो गई है, ठीक है। और इस वाली साइड से भी देख लेते हैं, ये भी मेल्ट हो गई है, ये बिल्कुल बारीक बारीक सी लेयर है, ये आप देख रहे हैं। अब सेम इसी तरह ये सामने वाली जो वॉल है इसका भी देखें, ये भी ऐसे ही है। ये अब देखिएगा कि यहाँ से मैं ये ऐसे करूँ और ये देखिए तो पूरी हिल रही है। ये मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा, ये देखें, ये देखा आपने, यानी एक टाइम था, मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ, एक टाइम था कि जब मुझे फ्रीज़र वॉश करना एक बहुत मुश्किल टास्क लगता था, मुझे लगता था इसमें पूरा दिन लग जाता है जी, और ये बड़ा ही एक मुश्किल काम है, और बस इसमें लग गए तो फिर बाकी सारे काम रह जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अब जब से मुझे ये तरीका पता चला, तो हालांकि तब मेरी फ्रिज छोटी थी जिस तरह नॉर्मल साइज़ की होती है, और ये मेरी 4 डोर है, और लेकिन अब इसको मुझे लाइक साफ़ करने में, क्लीन करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। आप चाहे मैं जाऊँ तो एवरी मंथ, जैसे आपको बताया कि मैंने बड़ी ईद से पहले मैंने इसको वॉश किया और अब मैंने फिर इसको कर दिया। तो अब चले मैं आपको ये बाकी सारी क्लीन करके दोबारा से दिखाती हूँ। जो मोटी मोटी आइस है वो तो सारी उतर गई है, ठीक है। अब जो ये पानी है, जितना पानी ये नीचे जो इकट्ठा हुआ है, इसको मैं अब इसमें ज़रा शिफ्ट करती जाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स कि मैंने कितना अच्छा फ्रीज़र साफ़ कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारा हो गया। देखें जनाब, नीचे भी सारा क्लीन हो गया है, ऊपर भी सारा क्लीन हो गया है, और ये देखिए जी ये बिल्कुल नीट हो गया। अब इसमें हम जो चीज़ें हमने रखनी है वो हम वापस रख लेंगे जो हमने फ्रिज में रख दी थी। और ये देखें जी, फर्स्ट क्लास किस्म का आपका फ्रीज़र क्लीन हो गया। तो जी जनाब, ये है फाइनल लुक मेरे क्लीन फ्रीज़र की। मैंने जितना सामान नीचे रखा था वो सब मैंने ऊपर रख दिया है। ये देखें जी, नीचे ये सारा मीट आ गया है, और यहाँ पे मेरे फ्रोज़न टमाटोज भी आ गए हैं, और ये छोटा मोटा कोई फ्रीज आइटम्स हैं फ्रोज़न, तो वो भी मैंने यहाँ रख दी हैं, और यहाँ पे मैंने आइस क्यूब ट्रे भी लगा दी है, और फ्रीज़र मैंने ऑन कर दिया था। तो जनाब, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अगर मेरे तरीके से हट के आप लोगों को लगता है कि कोई और भी बेस्ट वे है फ्रीज़र को क्लीन करने का, और इसमें और भी टिप्स एंड ट्रिक्स डाले जा सकते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और चलें जी, इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड, और मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।